जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत की एक कंपनी ने कुछ ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है जो कि बड़े बड़े विकसित देशों ने ही किया था, जैसे कि यूके, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे विकसित देशों के पास ही मौजूद। और दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी भारत ने अपना कदम जमा दिया है और शुरुआत कर दी है। और दोस्तों आने वाले समय में भारत ऐसे मेगा प्रोजेक्ट पूरे देश में चलाने वाला है। इस बात से दोस्तों थोड़ा तो आपने अंदाजा लगा लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं NTPC कंपनी की। दोस्तों स्क्रीन पे मैं आर्टिकल दे देता हूँ। इस कंपनी ने दोस्तों देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग और ऑपरेशन को चालू कर दिया है। बड़ी बात यह है दोस्तों, इस कंपनी ने 30 जुलाई 2022 को यानी अब से करीब 6 महीने पहले NTPC और GGL दोनों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। और दोस्तों फाइनली अभी ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों सूरत के आदित्य नगर में आवास टाउनशिप घरों के लिए H2NG यानी कि नेचुरल गैस आपूर्ति के लिए। और दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत अपनी जरूरतों का 80% हिस्सा बाहरी देशों से इंपोर्ट करता है, जिससे कि भारत को एक मोटी करेंसी यानी बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल पे किए जाते हैं। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि भारत अपनी इसी निर्भरता को कम करने के लिए नए नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। फिलहाल दोस्तों भारत ने देश के अंदर काफी तेजी से ग्रीन हाइड्रोजन को काफी तेजी से प्रमोट करना चालू कर दिया है। और उसी का नतीजा है कि NTPC ने पहले हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट को चालू कर दिया है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट से बनाई जाने वाली ऊर्जा को गैस के रूप में यूज किया जाएगा, घरेलू गैस। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस परियोजना में हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी उसे फ्लोटिंग सोलर पैनल द्वारा डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है दोस्तों, नेचुरल गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसे टेम्परेचर पे सेट हो जाती है, CO2 जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन बहुत ही कम मात्रा में होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, ये टेक्नोलॉजी अभी गिने चुने विकसित देशों के पास है, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और अब फाइनली भारत का नाम भी इस लिस्ट में गिना जाएगा। वहीं दोस्तों एक अच्छी खबर और निकल के आ रही है, भारत ने ना सिर्फ नेशनल लेवल पर इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने का फैसला किया है और कई बड़े देशों को भारत ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने वाला है। और दोस्तों हाइड्रोजन के फ्यूचर में कंजप्शन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रोल्स रॉयस जैसी बड़ी इंजन मेकर कंपनी जो कि बड़े बड़े एयरक्राफ्टों के लिए इंजन बनाती है, वो भी अपने हाइड्रोजन इंजनों का टेस्ट कर रही है। और इसी कड़ी में दोस्तों सबसे अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने काफी ज्यादा रफ्तार पकड़ ली है, ना सिर्फ कागजों में ग्राउंड पे भी इसके प्रोजेक्ट दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों भारत के इस कदम पे आप सभी लोगों का क्या कहना है, कमेंट्स करके अपने वैल्यूएबल विचार जरूर शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।